आज की बात स्वागत। आज की बात में आज एक ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर बात करते हैं जिसके विषय में पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर संसार में कोई एक पुस्तक अगर जीवन भर अपना मित्र बनाना हो तो वो एकमात्र पुस्तक है और वो है धम्मपद। धम्मपदों की ये विशेषता है कि जहां कहीं आदमी रुक जाता है तो उसे फिर चालू करने के लिए यानी कि चलाने के लिए अगर कोई पुस्तक व्यवस्थित मार्गदर्शन करता है तो वो एकमात्र पुस्तक है धम्मपद। धम्मपद वैसे तो तथागत ने 2500 साल पहले दिए हैं, लेकिन इन धम्मपदों की विशेषता यह है कि ये त्रिपिटक का अंग होते हुए भी अपनी एक स्वतंत्र पहचान भी रखती है। तो आइए धम्मपदों के कुछ चुनिंदा पद आज आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और इससे हम अपने जीवन के लिए क्या ग्रहण कर सकते हैं इस पर भी आप और हम सब मिलकर ये सोच भी सकते हैं। तो आइए आज के इस धम्मपदों के परिचय की इस कड़ी में प्रवेश करते हैं। धम्मपदों में यमक वग ये बड़ा महत्वपूर्ण वग्गो है। यमक वग्गो में पहला पद आता है, पाली में है लिखा गया, मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। मनोपबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासुतीवा करोतीवा ततो नंग दुख मनवेती चक्कं व वहतो पदं। इसका मतलब जो हुआ वो ये है कि सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। धर्म का मतलब हुआ वो मार्ग जो हम धारण करते हैं, मतलब जिस तरह हम जीवन यापन करते हैं वो धर्म। तो जितने भी चैतसिक हैं, मतलब हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब पहले मन में उत्पन्न होती है। तो सभी धर्म मन में उत्पन्न होते हैं क्योंकि वो मनोमय है और मन ही मुख्य है इन सब का। तो इसलिए कहा गया है कि मनो पुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। अब आगे देखिए कि मनसाच पदुठे न भासती वा करोती वा। हुआ ऐसे कि जैसे जब आदमी मलिन मन से या तो बोलता है या कार्य करता है, तब मलिन मन का मतलब ये हुआ कि मन में द्वेष, ईर्ष्या, राग, आसक्ति ये सब रख कर या तो बोलता है या कार्य करता है। तो तथागत कहते हैं कि जब कोई ऐसा करता है तो दुख उसके पीछे बिल्कुल वैसे ही हो लेता है जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी के पहिए चलते रहते हैं। जहां जहां बैल चले, बैलगाड़ी के पहिए उसके पीछे पीछे जैसे चलते हैं, दुख बिल्कुल वैसे ही खड़ 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 करते हुए उसके साथ चलता है। और इसलिए वाणी का संयम, मन का संयम, ये बात तथागत ने बार बार कही है और बार बार समझाई है। मन, वाचा और कर्म, इन सब से कभी भी दूषित ना करें कर्म, काया वाचा और मन से, मतलब अपने शरीर से, अपनी वाचा से, अपने मन से कोई भी कार्य न दूषित रूप में ना करें, मतलब मन में किसी तरह की ईर्ष्या ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, आसक्ति ना हो, क्रोध ना हो, और तब कोई काम किया जाए। तो फिर तथागत आगे कहते हैं मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासती वा करोति वा ततो नंग सुखमन्वेती छाया व अनपायनी। मतलब इसका ये हुआ कि मन प्रमुख है, मुख्य है, मनोमय है, लेकिन जब कोई स्वच्छ मन से, काया वाचा मन ये सब स्वच्छ रखकर अगर कोई
स्वच्छ मन से कार्य करता है या फिर बोलता है तो फिर सुख उसके साथ वैसे ही हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया है ना। जीवन का कितना बेहतर मार्गदर्शन। तो ये जो मार्गदर्शन तथागत सिखाते हैं बड़े छोटे छोटे पदों के द्वारा, इन्हीं को कहते हैं धम्म पद। यहां रुकेंगे हम, यमक वग्गो का ये पद था। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम धम्म पद की इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।